नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आरएसपी के टी एंड आरएम विभाग के कर्मचारी गण रिकॉर्ड मासिक इस्पात प्रेषण दर्ज करने हेतु सम्मानित। बिजनेस एक्सीलेंस विभाग में माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और सेल पेंशन योजना के लिए योग्य पूर्व कर्मचारियों हेतु 21 मई को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के ट्रैफिक एंड रॉ मटेरियल्स टी एंड आरएम विभाग में आयोजित एक समारोह में विभाग के 32 कर्मचारियों को मार्च 2019 में रेल के माध्यम से इस्पात के प्रेषण में रिकॉर्ड दर्ज करने में उनके सराहनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया। उक्त माह में रेल के माध्यम से 2.93 लाख टन इस्पात का प्रेषण दर्ज किया गया, जो दिसंबर 2018 में हासिल किए गए 2.61 लाख टन प्रेषण के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पार कर गया है। उप महाप्रबंधक टी एंड आरएम श्री ए के बेहरा ने सम्मानित कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर टी एंड आरएम और कार्मिक विभाग के कई अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री बेहरा ने सराहनीय प्रयास के लिए कर्मचारियों को बधाई दी और उन्हें इसी जोश और उत्साह के साथ आने वाले कार्य को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। सम्मानित किए गए कर्मचारियों में जोन 6 के यार्ड स्विचिंग अनुभाग के 11 कर्मचारी, वाणिज्यिक बुकिंग अनुभाग के 8 कर्मचारी, लोको अनुरक्षण के 2 कर्मचारी, स्थायी मार्ग के 1 कर्मचारी और 10 रेलवे TXR कर्मचारी शामिल हैं। सहायक प्रबंधक टी एंड आरएम श्री धीरज कुमार ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया। बिजनेस एक्सीलेंस विभाग में 14 मई को एक माह का कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। उप महाप्रबंधक प्रभारी बीई एंड आईईडी श्री डी सतपति ने समारोह की अध्यक्षता की और एसएसडब्ल्यू श्री अरविंद खुजूर को अप्रैल माह के लिए माह का कर्मचारी पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि ऋषि खुजूर को सिस्टम में 2603 सृजनी सुझावों की जांच पर उनका डेटा प्रविष्टि करने के लिए सम्मानित किया गया था। सहायक प्रबंधक कामिक श्री संजीव बेहरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल पेंशन योजना के लिए योग्य पूर्व कर्मचारियों हेतु 21 मई को सिविक सेंटर में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 9:15 बजे प्रारंभ किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग DPE के दिशा निर्देश एवं इस्पात मंत्रालय की मंजूरी के साथ सेल प्रबंधन ने सेल पेंशन योजना प्रारंभ की है। सेल पेंशन योजना अंतर्गत 1 जनवरी 2007 को बोर्ड स्तर पर नियुक्त लोगों सहित कंपनी के रोल पर सभी अधिकारियों, प्रबंधन प्रशिक्षुओं सहित और 1 जनवरी 2012 को या उसके बाद कंपनी के रोल पर गैर कार्यपालक संभावित नियुक्ति के लिए भर्ती प्रशिक्षुओं सहित को शामिल करेगी। राउरकेला स्टील प्लांट के सभी योग्य पूर्व कर्मचारियों को जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सौहार्दपूर्वक आमंत्रित किया जाता है। समाचार के अंत में आज का सुरक्षा प्रश्न। क्या आपने आज शॉप फ्लोर पर सुरक्षा हेलमेट और सुरक्षा जूते पहना था? इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।